तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ वाराणसी के पड़ाव पर, और पड़ाव में ही देखेंगे, ये जो सामने देख रहे हैं ये है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल, जाने का प्रवेश द्वार। या हालांकि कुछ रुपये लगते हैं टिकट मामली, यानी 10 या 15 रुपया साथ लगता है। और आगे ही बढ़ने पर आपका पड़ाव मार्केट, जो कि यह सीधा रास्ता आपका चंदौली जिले के लिए चला जाएगा, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए, पहले जिसका नाम मुगलसराय था अब उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजघाट पुल के नज़ारे, जो कि ये जो बाएं साइड में आप जो देख रहे हैं, ये जो वाहन जा रहा है ये सीधे आपका राजघाट पुल होते हुए जो कि बनारस शहर के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों हम लोग को चलना है राजघाट पुल, तो इसलिए हम लोग को बाएं साइड में मुड़ना होगा, जैसा कि मैं इसमें मुड़ चुका हूँ। और वही अगर बाएं साइड यानी दाहिने साइड से अगर आप राजघाट पुल होते हुए जाएंगे तो आप चले जाएंगे डोमरी गांव के लिए, जो कि पिछले ही महीने देखा जाए तो आपका बैलून फेस्टिवल भी था जो अपने वाराणसी में, तो वो डोमरी गांव से ही आपका उड़ाया जाता था, यानी हॉट एयर बैलून। तो आप सामने देख रहे होंगे जो कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जो कि यह सीधा रास्ता आपका प्रयागराज कानपुर जौनपुर गाजीपुर के लिए चला जाएगा। और आपको बता दें कि इस पुल को मालवी पुल के भी नाम से जाना जाता है। और इस पुल की सबसे खास बात यह है कि यानी ऊपर से आपका वाहन गाड़ियां चलती हैं और नीचे से आपका ट्रेन गुजरता है। तो आपको बता दें कि जब ट्रेन गुजरता है तो उसका लाइन जो रेलवे लाइन है उसको यानी कि नीचे से होते हुए वो ऐसे जाकर आपका गया हुआ है। और इस पुल पर भारी वाहन यानी कि भारी बसें और ट्रक पूरी तरह से वर्जित किया गया है, यानी छोटे वाहन ही इस पुल से गुजर सकते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, जब पुल के नीचे से आप जाएंगे तो आप इस साइड आप पहुंच जाएंगे डोमरी गांव। देख रहे हैं पहले ये जो पुल का जो राड देख रहे हैं, पहले ये आपका ये गेरुआ कलर में था लेकिन इसे बाद में रंग कर सिल्वर कलर में कर दिया गया है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। और आगे बढ़ने पर आपका दाहिने साइड में इस समय बहुत तेजी से कार्य चल रहा है खिड़किया घाट का, और बाएं साइड में है आपका राजघाट, यानी ये है आपका राजघाट पुल, और बाएं साइड में यानी गंगा उस पार आपका है राजघाट। और राजघाट से सटा हुआ है संत रविदास मंदिर, जैसा कि आप व्हाइट कलर का आप देख पा रहे होंगे, तो वही है आपका संत रविदास मंदिर जो कि राजघाट पर स्थित।
देख रहे होंगे इस साइड भी आपका राजघाट पर भी नवीनीकरण घाट का चल रहा है इस समय। और आगे ही बढ़ने पर ये बाएं साइड में एक छोटा सा रास्ता कटा हुआ है, यहाँ जाने के जो पैदल लोग हैं उनके लिए और साइकिल जो जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो काशी स्टेशन के लिए चले जाएंगे। ये सामने आप देख पा रहे होंगे ये है आपका काशी स्टेशन जो कि राजघाट से ही सटा हुआ है। आगे ही बढ़ने पर जैसे ही ये पुल ख़त्म होगा तो दाहिने साइड में आपका है लाल खां का मकबरा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और दाहिने साइड में एक रास्ता कटा हुआ है जो कि खिड़किया घाट के लिए चले जाएंगे। और आगे ही बढ़ने पर यानी जब लाल खां का मकबरा है तो वहां से एक रास्ता और कटा हुआ है जो कि सीधे सराय मोहाना शमशान घाट और आदि केशव घाट के लिए भी चला जाएगा। तो दोस्तों यह था आपका राजघाट पुल के नज़ारे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।